ललित बस स्टैंड और उसके नवलपुर के बाद से अब जो जिलाधिकारी हैं, जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है, अब महाकाली पटवा टोली में पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिलाधिकारी और एसपी तमाम दल के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये लोग आपको बता दें कि दशहरा पूजा को लेकर के ये लोग पहुँचे हुए हैं। तो पटवा टोली स्थित महाकाली की जो प्रतिमा रखी जाती है वहाँ पे संकीर्ण गली है, और इसको लेकर के ये लोग सुरक्षा के जो व्यवस्था है उसी के मद्देनज़र ये तमाम आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए, और इनके साथ कई थानाध्यक्ष हैं, जो जिले के वरीय अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं डीएम और एसपी के साथ। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, महाकाली के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही दूर दराज से लोग आते हैं, तमाम पूजा पंडालों पर लोग जब पहुँचते हैं तो महाकाली का दर्शन करने जरूर आते हैं। और संकीर्ण जो गली है, बहुत सकरी गली है, इसी को लेकर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तमाम लोग पहुंच रहे हैं ताकि क्या कुछ व्यवस्था है उसे देखने का काम किया जाए। तो आप देख सकते हैं ये पतली गली है और यहीं पे महाकाली स्थापित होती हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पे हुए हैं, कैमरा पर्सन आशीष यहां पे मौजूद हैं। पतली गली है और इसमें जिलाधिकारी, एसपी, तमाम जो भी आला अधिकारी हैं सभी आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं सामने महाकाली विराजमान है, तैयारी चल रही है दशहरा पूजा को लेकर। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे सामने यहाँ का निरीक्षण करने के बाद अलग अलग पूजा पंडालों की तरफ जा रहे हैं ये आला अधिकारी, क्योंकि सिवान में आपको बता दें कि 9 तारीख से माँ दुर्गे का पट खुलेगा और उसके बाद से मेले की शुरुआत हो जाएगी, और इसी के मद्देनज़र तमाम पूजा पंडालों के तरफ जिलाधिकारी, एसपी, तमाम आला अधिकारी जो थानाध्यक्ष हैं वो सभी लोग पहुँच रहे हैं ताकि पूजा को बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था में कायम किया जा सके।